हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि सीबीएसई क्लास 1 से लेके 12 तक जो सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना आई है, और वो जो सूचना है वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, वो सारे देशवासियों के लिए है। वो क्या है, आइए जानते हैं। सीबीएसई ने क्लास 1 से लेके 12 तक सभी स्कूल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी सूचना जारी किया है। यह नोटिस कोरोना वायरस के कारण हुई लॉकडाउन के बीच परीक्षाओं के संचालन और अगली परीक्षा में प्रमोशन के संबंध में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी सूचना जारी की है। यह सूचना खासतौर पर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए है, लेकिन इसका सीधा असर स्टूडेंट पर होगा। बोर्ड ने बुधवार 1 अप्रैल 2020 को एक विज्ञापित जारी किया है, जिसमें क्लास 1 से 8 क्लास 9 और क्लास 11, क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए अलग अलग जानकारी दी गई है। इस विज्ञापन में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हम सभी के लिए एक असामान्य परिस्थिति है। ऐसे में बोर्ड के पास कई लोगों ने सवाल पूछे हैं कि इसमें बच्चों के भविष्य और उनकी परीक्षाओं और अगले सत्र का क्या होगा। तो बोर्ड सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सलाह जानकारी देता है कि वो नीचे बताई गई बातों का अनुसरण करें। पहली बात क्या है, एक क्वेश्चन ये भी है कि ना क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। देश के सभी सीबीएसई स्कूलों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने क्लास 1 से 8 तक सभी विषयों की परीक्षा का संचालन पूरा नहीं किया है, तो उस स्टूडेंट को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दें, और एनसीईआरटी के साथ मशवरा करने के बाद एडवाइजरी जारी की जा रही है। ये जो एडवाइजरी है वो एनसीईआरटी के साथ भी मशवरा किया गया, उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई है। किसके लिए है, क्लास 1 से लेकर 8 तक है, अगर उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, संचालन उनका सारा नहीं हुआ है, तो आप उसको स्थगित करके उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दें। मतलब अगर कोई 8वीं में है तो उसको 9वीं में कर दें, कोई 7वीं में है तो उसको 8वीं में कर दें। ये अब बात आती है क्लास 9 और 11 के लिए। बोर्ड को जानकारी मिली है कि कई स्कूलों ने क्लास 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां कुछ परीक्षाएं बीच में फंसी हुई हैं, मतलब रुकी हुई हैं। ऐसे सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे 9वीं और 11वीं दोनों के स्टूडेंट को स्कूल में अब तक हुए असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, टर्म एग्जाम्स आदि के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करें। अगर कोई स्टूडेंट इन आधारों पर क्वालिफाई नहीं करता तो स्कूल उसे खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कह सकता है, फिर स्कूल आधारित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर लेकर प्रमोशन दे दें। मतलब ये कह रहा है कि जो 9 और 11 में हैं उनके लिए ये है कि उनको इन स्टूडेंट को असेसमेंट करें। किस बेसिस पे करें, प्रोजेक्ट वर्क पे, जो पीरियोडिक टेस्ट होता है, टर्म एग्जाम्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो है आप असेस करें, चेक करें। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप उसको नेक्स्ट कक्षा में मूव कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन सब चीज़ों को क्वालिफाई नहीं करता है, तो उसके लिए आप उसको एक एक्स्ट्रा वर्कआउट दें, और वर्कआउट देने के बाद उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट होगा उसके बाद उसको चेक करने के बाद आप प्रमोट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 10वीं जो 12वीं के लोग हैं उनके लिए क्या होगा, जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। बोर्ड पहले ही इस संबंध में सूचना जारी कर चुका है कि 19 से 13 मार्च तक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होनी थी स्थगित किया जा चुका है। ये परीक्षाएं फिर कब होंगी, इस संबंध में अभी हालात में फैसला ले पाना मुश्किल है। जो भी हालात चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हालात की समीक्षा के बाद बची परीक्षाओं के संचालन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड स्टूडेंट को परीक्षा के लिए 10 दिन का समय जरूर देना होगा, यानी नोटिस शेड्यूल जारी होने के बाद 10 दिनों बाद परीक्षा होगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल गौर से सुन लें कि अभी आपकी परीक्षा जो है वो सिर्फ स्थगित हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि अब नहीं होगी, बिल्कुल होगी आपकी परीक्षा। और जब भी यह नोटिस आएगा 10 दिन का आपके पास टाइम होगा, उसके बाद परीक्षा स्टार्ट होगी। सिर्फ 29 मुख्य विषयों की ही होगी परीक्षा। एक भी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 29 मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। एचआरडी मिनिस्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीबीएसई सिर्फ 29 मुख्य विषयों की परीक्षा आयोजित करेगा। इन विषयों में उत्तीर्ण होना अगली कक्षा में जाने और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जरूरी होगा, बाकी विषयों की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। विदेश में बाकी परीक्षा रद्द। सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि विदेश में 10वीं और 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं लंबित रह गई हैं, अब उन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बारे में सीबीएसई ने कहा है कि विदेश की कॉपियों का मूल्यांकन के लिए लाने में मुश्किल हो रही है, इसकी वजह से परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है।
तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें किससे सीबीएसई क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए। तो जो नोटिस जारी हुआ है उसमें ये चीजें, ये अपडेट थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले बॉटम साइड पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है टेकी हेल्प टिप्स, और इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जो लोगों को नहीं पता है सीबीएसई की नई अपडेट के बारे में उनको पता चल सके और उनको जानकारी मिल सके और वो भी अपडेट हो सके।